Good morning, class 5th. This is our English book, Daffodils, main course book of English Reader. So, students, today we are going to deal with a new poem, that is chapter or poem number 13, The Land of Counterpane. So, what is counterpane? Counterpane is the bed sheet, okay? The bed sheet, or you can say bed cover, is known as counterpane. जो चदर हम ओढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं काउंटर पेन. तो द लैंड ऑफ काउंटर पेन, इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज कि एक चदर कैसे पूरी लैंड हो सकती है. सो लेट्स वार्म अप अ लिटिल. दिस इज अ पोएम अबाउट अ यंग चाइल्ड हु हैज टू स्टे इन बेड बिकॉज ही इज नॉट वेल, बट इंस्टेड ऑफ बीइंग बोर्ड He entertains himself by playing with his toys and using his imagination. The poem was written in the days before any form of digital entertainment was around to entertain children. In those days, children had to rely on their own imaginations to entertain themselves. Do you spend a lot of time on television or computer? Do you think It is a healthy habit. Speak up. Okay. So, ये read करने के बाद हमें एक glimpse मिल गया है कि हम इस chapter के अंदर या इस story के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये poem एक छोटे से बच्चे के बारे में है जो कि अपने bed पे लेटा हुआ है because वो fever है, उसको वो अच्छा feel नहीं कर रहा. But हालांकि नॉर्मली क्या होता है, जब कोई बीमार होता है, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेड पे लेट जाते हैं और बोर हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम कोई भी काम कर सकें और बेड पे लेटने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो हम बहुत बोर हो रहे होते हैं. बट वो जो बॉय है वो कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट करता है कि वो बिल्कुल भी बोर ना हो, वो अपने आप को एंटरटेन कर लेता है कुछ अपने टॉयज के साथ खेलते हुए और अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करते हुए. इमेजिनेशन पावर जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्या करते हैं वो इमेजिन कर लेते हैं कि आई एम अ टीचर एंड यू आर ऑल माय स्टूडेंट्स, कि मैं टीचर हूँ और तुम सब मेरे स्टूडेंट हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई पुलिस मैन, कोई चोर बन जाएगा, तो वो क्या करते हैं अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर लेते हैं और एक इमेजिनेटिव स्कूल बना लेते हैं या एक हॉस्पिटल क्रिएट कर लेते हैं. तो वो क्या है, सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है, रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, पर फिर भी वो कहते हैं कि मम्मा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखो. तो इस तरीके से वो अपना गेम खेल लेते हैं और अपने टाइम को पास कर लेते हैं. तो यहाँ जो जिस बॉय की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो भी अपनी एक इमेजिनेटिव लैंड क्रिएट कर लेता है और अपने टॉयज के साथ वो इजीली प्ले करता है. तो ये पोयम उन दिनों में लिखी गई थी जब ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए. व्हाट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म? जो आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं ये डिजिटली देख रहे हैं, ठीक है ना. आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इवन अब तो स्कूल भी नहीं आना होता, अपने घर से हम पढ़ाई भी कर रहे हैं. तो दिस इज डिजिटल प्लेटफॉर्म. और जब हम फोन के अंदर या अपने जो ट्राईपॉड्स वगैरह होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं, टेलीविजन पे हम इतने सारे कार्टून वगैरह देखते हैं, तो ये सब जो प्रोग्राम है या ये सब जिन चीज़ों से हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं ये हो गए डिजिटल एंटरटेनमेंट के सोर्सेज. पहले क्या होता था, ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं होते थे उस टाइम में, तो क्या होता था सब लोग बाहर मिलजुल के खेलते थे, घर के काम में हेल्प करवाते थे. बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब तो सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं या टीवी में कार्टून देखने में बिजी होते हैं, है ना. हमें नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है. तो ये पोयम उसी टाइम पे लिखी गई थी जब इस तरीके की कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था आपके पास एंटरटेन होने का. और उन दिनों में बच्चे कैसे कैसे अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अपने आप को एंटरटेन करते थे वो चीज़ हमें इस पोयम में देखने को मिलेगी. तो क्या आप पूरे दिन अपने फ़ोन में या टेलीविजन में लगे रहते हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये आदत अच्छी है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है. तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो स्टे अवे फ्रॉम डिजिटल एंटरटेनमेंट. कोशिश करो कि बाहर वर्कआउट करो, रनिंग करो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करो, रेदर देन कार्टून्स देखो या
फालतू में फोन को स्क्रॉल करते रहो, फोन में लूडो खेलो, रेदर देन अच्छा है कि आप लूडो बोर्ड लेके आओ और उससे खेलो, है ना। तो अब हम अपनी स्टोरी पढ़ेंगे। व्हेन आई वॉज सिक एंड ले अ बेड, आई हैड टू पिलोज एट माई हेड एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे एंड समटाइम्स फॉर एन आवर और सो आई वॉच्ड माई लेडन सोल्जर्स गो विद डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स अमंग द बेड क्लोथ्स थ्रू द हिल्स एंड समटाइम्स सेंट माई शिप्स इन फ्लीट्स ऑल अप एंड डाउन अमंग द शीट्स और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट एंड प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट। आई वॉज द जाइंट ग्रेट एंड स्टिल दैट सिट्स अपॉन द पिल्लो हिल एंड सीज बिफोर हिम डेल एंड प्लेन द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन। सो दिस पोयम इज रिटन बाय आर एल स्टीवेंसन। लेट्स रीड अबाउट द ऑथर ऑफ द पोयम, रॉबर्ट लुइस बेल्फोर स्टीवेंसन, 1815 to 1894। आर एल स्टीवेंसन वॉज अ रेनॉन्ड स्कॉटिश नॉवलिस्ट, पोएट, एसिस्ट एंड ट्रेवलॉग राइटर। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स आर ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। सो ये जो पोएम ली गई है ये कहाँ से ली गई है? अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमें बताया गया है कि एक बच्चा कैसे अपने आप को अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एंटरटेन करता है। तो देखते हैं क्या बताया गया है पोएम में। व्हेन आई वॉज सिक एंड ले अ बेड, सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू आर फीलिंग सिक, जब आप बीमार होते हो तो आपको कैसा लगता है? आपको बस एक जगह ले डाउन रहना पड़ता है, एक जगह आप लेटे रहते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कुछ भी करने का, क्योंकि आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती, है ना, और सिर्फ आपको वही बीमारी वाली फीलिंग होती रहती है। बट जब मैं, यानी कि जो पोएट है वो, जब मैं लेटा हुआ था एंड ले अ बेड, जब मैं बीमार था और लेटा हुआ था अपने बेड पे, आई हैड टू पिलोज एट माई हेड, तो मेरे सर के नीचे टू पिलोज थे, ठीक है, सर के नीचे दो पिल्लो थे, तकिए थे, एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे। तो पोएट बताता है कि उसके चारों तरफ उसके बेड में उसके आसपास टॉयज रखे थे उसके बहुत सारे, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते होंगे, यहाँ पे कुछ मिनिएचर है। मिनिएचर क्या होते हैं? छोटे छोटे जो लिविंग बींग्स तो नहीं होते, जो टॉयज कह सकते हो, ठीक है ना, पुतले जिनको हम बोलते हैं, तो उसको मिनिएचर बोलते हैं। तो कि छोटे छोटे मिनिएचर होते हैं पोएट के साइड में चारों तरफ रखे होते हैं, और वो सब इसीलिए होते हैं ताकि वो सब पोएट को खुश रख सकें पूरे दिन, उस बच्चे को खुश रख सकें पूरे दिन। एंड समटाइम्स फॉर एन आवर और सो आई वॉच्ड माई लेडन सोल्जर्स गो विद डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स अमंग द बैड क्लोथ्स थ्रू द हिल। तो पोएट ने, यानी कि इस चाइल्ड ने एक ऐसी बेडशीट ओढ़ी होती है, या बेड क्लोथ इस तरीके का ओढ़ा होता है जिसके ऊपर ये सब कुछ बहुत ज़्यादा खिल के आता है, उभर के आता है, और वो बहुत इसके थ्रू इमेजिन करता है कि एक डेढ़ घंटे बाद क्या होता है। वो अपने जो सोल्जर्स की टोली होती है वो काम में लग जाते हैं, जैसे वो एक यूनिफॉर्म पहनते हैं और ड्रिल्स, यानी कि उनके पास, जैसे कि आप परेड वगैरह में देखते होंगे कि सोल्जर क्या करते हैं, बाइक्स पे निकलते हैं बहुत सारे सोल्जर एक साथ, या फिर कुछ ट्रम्पेट लेके बजाते हुए, ड्रम्स होते हैं उनके हाथों में, तो इस तरीके की वो मार्च वगैरह करते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट यूनिफॉर्म होती हैं उनकी सोल्जर्स की, और वो ड्रिल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं एक रास्ते से, अमंग द बेड क्लोथ थ्रू द हिल। तो अमंग द बेड क्लोथ, यानी कि जो उसने चादर ओढ़ी होती है उसी के बीच में से वो अपना रास्ता बनाते हुए जा रहे होते हैं पहाड़ियों में से, क्योंकि
जो बेबी है, बच्चा है, जो उसके पैर इस तरीके से हैं और वो ऐसे अपीयर हो रहे हैं जैसे कि कोई माउंटेन हो या हिल हो, तो उनमें से, उनके ही बीच में से रास्ता बनाते हुए ये सोल्जर आगे जा रहे हैं और ड्रिल कर रहे हैं। एंड समटाइम्स सेंड माई शिप्स इन फ्लीट ऑल अप एंड डाउन अमंग द शीप्स और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट एंड प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट। तो पोएट कहता है कि अब वो सब हिल्स के अंदर से जा रहे हैं और कभी कभी क्या होते हैं, सारे शिप्स, फ्लीट को बोलते, फ्लीट हम बोलते हैं बेड़े को, यानी कि बहुत सारे शिप्स जब एक साथ जा रहे होते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, फ्लीट बोल देते हैं। ये बेसिकली एक कलेक्टिव नाउन है और आप सभी को पता भी है ना। तो सभी शिप्स एक साथ जा रहे होते हैं ऑल अप एंड डाउन अमंग द शीट्स, और शीट यानी कि जो बेडशीट है या बेड कवर है उसमें से वो ऊपर नीचे, जैसे कि पानी में होता है तो वेव्स के साथ क्या करते हैं, ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से बोट चल रही होती है, तो वही इमेजिनेट कर रहा है चाइल्ड कि वो उस तरीके से फ्लो कर रही है पानी के अंदर। और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट, और उसी के बीच में वो कहता है कि हाउसेस दिखाई दे रहे हैं उसको अपने, जैसे कि आप सीनरी में देख सकते हो कि उसकी चादर ऐसी है कि उस एक इमेजिनेशन को ओवर एक्सटेंड कर रही है, यानी कि उसके ऊपर जो घर बने हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे रियलिटी में है। और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट एंड प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट, और वो सभी क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, शहरों को बनाते हुए जा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आई वॉज द जाइंट ग्रेट एंड स्टिल दैट सिट्स अपॉन द पिल्लो हिल एंड सीज बिफोर हिम डेल एंड प्लेन द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन। और जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, वो अपियर हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो सभी मिनिएचर है यानी कि छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और वो काफी बड़ा है। तो जाइंट हम किसी को बोलते हैं जो कोई बहुत ज्यादा बड़ा होता है, नॉर्मल जो हाइट है उससे काफी बड़ा होता है, तो उसको हम दानव बोल देते हैं या राक्षस बोल देते हैं, उसी को इंग्लिश में जाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई वॉज द जाइंट ग्रेट एंड स्टिल, मैं बहुत बड़ा, क्योंकि वो तो एक जगह, जो चाइल्ड है वो एक जगह है, जो सोल्जर है वो ऐसे लग रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि वो इमेजिन कर रहा है, तो वो सोल्जर्स तो मूव कर रहे हैं और वो अपनी पोजीशन में स्टिल है क्योंकि वो तो बेड पे लेटा हुआ है, उसको कहीं मूवमेंट नहीं करनी, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जाइंट है। आई वॉज द जाइंट ग्रेट एंड स्टिल, बहुत बड़ा सा राक्षस है और स्टिल, क्योंकि हिल नहीं रहा वो, इसीलिए रुका हुआ है एक जगह। दैट सिट्स अपॉन द पिल्लो हिल, जो कि कहाँ बैठा है, पिल्लो की हिल के ऊपर बैठा हुआ है, बैठा है। एंड सीज बिफोर हिम डेल एंड प्लेन, और कैसा दिखाई दे रहा है, डेल एंड प्लेन यानी कि बहुत डल दिखाई दे रहा है क्योंकि वो, उसको बुखार है तो वो ऐसा अपियर हो रहा है जैसे कि उसके अंदर बहुत एनर्जी की लैकनेस है। द प्लेजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन, और वो सब कुछ देख रहा है, लैंड ऑफ काउंटर पेन यानी कि चद्दर जो उसकी है उसमें एक उसने इमेजिनेटिव लैंड क्रिएट करी है जहाँ पे सोल्जर्स जा रहे हैं, फ्लीट जा रहा है शिप्स का, और घर दिखाई दे रहे हैं, तो ये उसकी एक इमेजिनेशन थी जो कि वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, और वो अपने बोर्डम को रिलीज कर देता है, काफी इंजॉय करता है इस इमेजिनेशन के थ्रू अपने जो फीवर वाला टाइम है उसे। तो ये थी हमारी पोएम, नेक्स्ट क्लास में हम इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।